बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने के काम आती, और एक है टेली। टेली का वर्ड यूज़ होता है दूर दराज के ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो टेलीस्कोप मीन्स दूर के अजसाम को देखने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ नेम्ड एज टेलीस्कोप। अगर हमें ज़मीन पर ही दूर दराज ऑब्जेक्ट देखने हैं तो उसे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहा जाता है। और आसमानी अजसाम या फल्कियात की स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सो एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। इन टेलीस्कोप विजुअल एंगल इज़ बिगर देन द एंगल मेड बाय द नेकेड आइज। इट इज़ यूज फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। ये एक इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है ये ईजिली परचेजेबल भी होती है मार्केट से। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? पहली चीज़ के जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो इतना दूर हैं हमसे कि हम उनके लिए जो ऑब्जर्विंग डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं। और फिर हमने ये भी पढ़ रखा है कि जब रेज इन्फिनिटी से आती हैं तो दे कन्वर्ज ऑन फोकस पॉइंट। लेकिन यहीं पर एक ओरिएंटेशन आपने जहन में रखनी है कि अगर इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल तो हैं मगर लेंस के साथ पैरेलल नहीं है, तो इमेज बनेगा फोकस पर ही लेकिन उसका पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो